गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हम लोग सीख रहे थे वॉल एक्सरसाइज और हमने फोर एक्सरसाइज वॉल एक्सरसाइज में सीख ली थी। सो हम लोग और उससे रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज आज सीखेंगे। तो चले देखते हैं कि वॉल एक्सरसाइज में और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है। चिल्ड्रन, जैसा कि हम लोग ने पहले की वीडियो में देखा था कि हमें जब वॉल एक्सरसाइज करनी है तो हमें अपने बोथ लेग को इस तरह से एक साथ ज्वाइंट रखना है, नी को अपने ज्वाइंट रखना है और ध्यान रखना है कि हमारी हिप्स वॉल को टच करें। आज की एक्सरसाइज नंबर वन हम बच्चों स्टार्ट करेंगे। आज की एक्सरसाइज नंबर वन के लिए हमें क्या करना है, हमें धीरे से अपने लेग को नीचे लेकर आना है, लाइक दिस, ऐसे वॉल से टच कराते हुए धीरे धीरे अपने लेग को नीचे लाना है और इस तरह से हमें क्रॉस लेग पोजिशन वॉल पर हमें बना लेनी है। इस तरह से बच्चों हम क्रॉस लेग पोजिशन वॉल पर बना लेते हैं और अपने हैंड को हम इस तरह से अपने लेग पर रखते हैं। आप इस तरह से अपने हैंड को लेग पे भी रख सकते हैं और इस तरह से पीछे भी रिलैक्स पोजीशन पे आप इस तरह से अपने हैंड को रख सकते हैं। और नाउ बच्चों, अब हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है और रिलैक्स करना है। नाउ कंटिन्यू, 10 सेकेंड तक हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। मिनिमम 10 सेकेंड तक हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड हम इस पोजीशन को रिलीव कर देंगे। सो बच्चों, ये आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर वन थी। एक्सरसाइज नंबर टू में चिल्ड्रन हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बोथ लेग टुगेदर हो, नीज टुगेदर हो और हिप्स हमारे वॉल को टच करें। इस तरह इस पोजीशन में लेटने के बाद चिल्ड्रन में क्या करना है, हमें स्लो स्लो अपने लेग को वॉल से टच कराते हुए बोथ लेग को एक साथ ओपन करना है। जितना आप स्ट्रेच कर पा रहे हो इजिली उतना स्ट्रेच करोगे। और नाउ 5 सेकेंड का होल्ड एंड देन अपने लेग्स को हम अप कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट सेकेंड टाइम स्ट्रेच योर लेग, 5 सेकेंड होल्ड एंड नाउ स्लो स्लो अप। इस एक्सरसाइज को मिनिमम 10 टाइम्स हमें परफॉर्म करना है। इसी तरह से हमें 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 टाइम्स हम इस एक्सरसाइज को चेंज कर देते हैं। सो चिल्ड्रन, अभी आपने जिस तरह से देखा उसी तरह से आपको आज की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो बच्चों, आज आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करिए और फिट रहिए।